व्हाट इज अप गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों आज सुबह से एक ही चीज के ऊपर चर्चा चल रही है, वो है फौजी गेम। तो दोस्तों आज इस गेम के बारे में बात करते हैं और मैं आपको इसकी पूरी डिटेल्स देने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों पहले इस गेम और गेम के टाइटल से बात करते हैं। तो जो गेम का टाइटल है फौजी, ये थोड़े पबजी से मिलता जुलता है, और जो कंपनी इस गेम को डेवलप कर रही है उनका नाम है एनकोर गेम्स। और एनकोर गेम ने भी ये डिस्क्लोज किया है कि जो गेम है ये जो हमारे इंडियन सोल्जर्स होते हैं उनके बारे में है, उनके सेक्रीफाइसेस के बारे में, और ये उनसे ही जुड़ा हुआ है पूरा। और इस गेम का डेवलपमेंट मई जून में शुरू हो गया था। दोस्तों इस गेम के बारे में कोई डिटेल बाहर नहीं है ज्यादा, बस इसका ये पोस्टर ही बाहर आया है। और लोग बोल रहे हैं ये पोस्टर भी कॉपीड है, और लोगों ने इस गेम को जज करना चालू कर दिया है कि ये गेम अच्छा नहीं होगा, ये पबजी से बिल्कुल मिल नहीं सकता। दोस्तों ये गेम देखने और खेलने से पहले मैं कुछ नहीं बोल सकता कि गेम कैसा होगा, पर अभी हमको इसको जज भी नहीं करना चाहिए जब तक ये गेम बाहर नहीं आता। दोस्तों इस गेम की सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि आप जितने भी अमाउंट इस गेम को पे करोगे उसका 20% भारत के वी फंड में जाएगा। तो दोस्तों ये जो अमाउंट ले रहे हैं ये 20% डोनेट करें इंडिया के सोल्जर्स को, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों ये तो बात हो गई हमारे गेम और उसके टाइटल की, अब उसकी कंपनी के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों ये जो कंपनी है एनकोर गेम्स, इनके साथ एक और नाम आ रहा है, विशाल गोंडल। अब ये कौन है? ये इस कंपनी के को फाउंडर है, और इन्होंने अनाउंस किया है कि ये गेम जल्द ही आ जाएगा। अब जल्द का मतलब ये शायद एक दो हफ्ते लेगा या 3-4 हफ्ते लेगा, क्योंकि ये गेम मई से बन रहा है। और दोस्तों जो विशाल है उन्होंने बोला है कि जो गेम है ये पबजी के साथ कॉम्पीट नहीं करेगा। दोस्तों इस विशाल गोंडल के साथ साथ एक और नाम जुड़ा हुआ है, अक्षय कुमार का। अब एनकोर गेम्स और अक्षय कुमार का लिंक ये है कि जो अक्षय कुमार है वो मेंटरशिप कर रहे हैं एनकोर गेम के साथ। तो दोस्तों यही बात डिस्क्लोज हुई है इस गेम के बारे में। अब जब वो गेम आएगा तभी हम उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं, अब ऐसे कुछ ही नहीं बोल सकते उसके बारे में। दोस्तों इस गेम की रूमर से तो पता चलता है कि ये गेम अच्छा होने वाला है, पर अगर ये गेम अच्छा इतना हुआ तो इंडिया को सिर्फ प्रॉफिट होने वाला है। दोस्तों आप कितने एक्साइटेड है कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इंडियन गेम को लेकर। तो लाइक कर दो इस वीडियो को, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, उसके बाद वाली घंटी बजा दो। और दोस्तों प्रियांशु हियर साइनिंग ऑफ।